चलिए ऑल राइट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट, सी एंटर एफ एम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 4, ये वाला चैप्टर शुरू करना है अपने को। इज एवरीबडी रेडी? भाई साहब पहले तो मेरे को एक बात बताओ, कंपनी अपन ये चैप्टर किसके एंगल से सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना है फॉर कंपनी, सॉल्व किसके लिए करना है, सोचना किसके एंगल से, सोचो इन्वेस्टर के एंगल से। मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व विद दिस पर्टिकुलर थॉट। मैंने आपको बताया था, देखो ये जो इन्वेस्टर है, ये जो इन्वेस्टर है, ये अगर कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है तो बदले में क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन होंगे इसके, इसके एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन किसके, इसके कंपनी की, क्या कॉस्ट, कंपनी की क्या कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कैपिटल का मतलब क्या है ना, वैसे तो पूरा पैसा जो कंपनी ने बिजनेस चालू करने के लिए लगाया है, इसमें वर्किंग कैपिटल भी आता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल भी। अब फिलहाल सोर्सेस कौन से मेरे पास, देखो मुझे इस चैप्टर में जो सोर्सेस पढ़ने हैं वो कौन से, उस पर ध्यान देना। इक्विटी शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, एंड लास्टली डेट्स। डेट्स में फिर ले लो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड ऑदर्स। डन। इतना सब आता है भाई, क्लियर है क्या, इतना सब आता है। अब इन सब की कॉस्ट हमको कैलकुलेट करने की, इन सब की क्या करनी है हमको, कॉस्ट कैलकुलेट करने की। सच्ची सच्ची बात बोलूं आपको, डिविडेंड डिसीजंस हो गया क्या आपका? हाँ, तो बहुत सारा पार्ट इक्विटी का हो चुका है। इफ वी आर डन विद डिविडेंड डिसीजंस तो इक्विटी का बहुत सारा पार्ट हो चुका है। देखो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, वही यहां पे सॉल्व करना है फिर से। फिर डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल, आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो क्वेश्चन 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट वाज डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। ओके, फिर कहीं कहीं है ना कॉस्ट दिया रहेगा, नहीं पी दिया रहेगा, पीई क्या दिया रहेगा, पीई रेशो दिया रहेगा, वहां से केई तक जाना है। ठीक है, डन। उसके बाद यहां तक डन, और एक दो ऐड करने के अपने को, वो बाद में ऐड करते हैं। फिर हम आएंगे प्रेफरेंस पे, फिर हम काय पे आएंगे, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, दोनों में सेम सेम चीज है, फॉर्मूला में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी इनके फॉर्मूला पूरे सेम है। ठीक है, इसमें एक होंगे रिडीमेबल, एक होंगे हाँ थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला का फर्क रहेगा, फॉर्मूला अलग आएगा लेकिन दोनों में यही प्रकार होगा। ठीक है, दोनों में यही प्रकार होगा। अब बेटा इरिडीमेबल मतलब क्या रे, इरिडीमेबल मतलब क्या, जो कभी भी वापस से रिडीम नहीं होंगे। रिडीम करने का मतलब क्या है, कंपनी ने, मैं तुमको एक एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, पहले डिबेंचर सिखा दूंगा फिर समझ में आएगा कि कंपनी क्या शाला खेलती है आपके साथ। और देखो अपन एफएम पढ़ रहे हैं तो अपने लिए एक ही थॉट है बेटा, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया
सबसे बड़ा रुपया। आप इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है, इजंट मैटर्स। आपने अगर कंपनी को पैसा दिया है ना, उनसे उम्मीद करो कुछ ना कुछ, खत्म, दैट्स इट। आपने पैसा दिया ना, इक्विटी होल्डर हो नहीं तो प्रेफरेंस होल्डर हो, पैसा चाहिए भाई हमको, इन्वेस्ट कर दे तो आपसे हम पैसा एक्सपेक्ट करेंगे। हम अगर इन्वेस्टर है तो कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे पैसा, ठीक है। हाँ, ध्यान में आया। अब देखो यहां पे इरिडीमेबल का मतलब क्या है, कि ये शेयर्स, ये डिबेंचर्स कभी रिडीम नहीं होंगे, सालों तक चलेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये जो इरिडीमेबल वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, परपेचुटी। फिर बेटा ये सॉल्विंग के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इजी हो जाएगा इसका, डन। अब बॉन्ड्स जब सॉल्व करेंगे हम, तो बॉन्ड्स को हम सॉल्व करेंगे YTM से। कैसे सॉल्व करेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी से सॉल्व करेंगे। यील्ड टू मैच्योरिटी से सॉल्व करेंगे YTM। अब यहां पे क्लिक लो, ये वाला जो पार्ट सॉल्व करना है ये IRR से करना होता है, ये सब लिखवा के दिया मैंने, कैसे करने का बताता हूँ आपको। IRR से करना है, ठीक है, कैसे करना है, IRR, ठीक है। अब मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अब अलग अलग सोर्सेस है क्या, सारे के सारे सोर्सेस की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम होंगे क्या? देखो इक्विटी वाले उल्टा ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे बेटा। देखो इक्विटी वालों के एक्सपेक्टेशन ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा, आप यू कह सकते हो। देखो कैसे है, देखो सुनो, अपन एक करते, देखो ये जो इक्विटी शेयर है ना, इसका जो कॉस्ट ना उसको अपन डिनोट करेंगे के ई से। कैसा डिनोट करेंगे, के ई से। प्रेफरेंस का कॉस्ट के पी से, और कॉस्ट ऑफ डेट के डी से। अब मैं इन जनरल एक बात बता रहा हूँ आपको, इन जनरल एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इन जनरल क्या, सुनो। इन जनरल एक बात बता रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे सोर्सेस की कीमत, सारे सोर्सेस का कॉस्ट सेम है क्या? नहीं। तो जितना कितना पूरा पैसा यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट सेम आएगा कि थोड़ा अलग आएगा? अलग आएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास इक्विटी है, आपके पास प्रेफरेंस है, और आपके पास, और आप देखो आपके पास इक्विटी से पैसा लिया हुआ है, आपने प्रेफरेंस से पैसा लिया हुआ है, और आपने डेट वालों से पैसा लिया हुआ है, डिबेंचर वालों से पैसा लिया हुआ है। अब सबकी कॉस्ट है ना अलग अलग है, सबकी कॉस्ट क्या है, अलग अलग। तो भाई साहब आपने पूरा पैसा कहाँ लगाया है, बिजनेस। अब बिजनेस में अगर पूरा पैसा लगाया है और किसी ने आपसे पूछा कि बेटा तू जो पैसा लगाया है बिजनेस में, इस पैसे का यूज करने का तेरा कॉस्ट कितना है, तुम बताना चालू है। सर इक्विटी में 20%, प्रेफरेंस में 15%, डिबेंचर्स में 10%, पूरा एक बार बता, एवरेज करके बता मेरे को, सर कितना सिंपल है, तीनों का टोटल लेने का, डिवाइड बाई 3 करने का, हो गया। नहीं ऐसा नहीं, फिर कैसा, कितना पैसा कौन से सोर्स से आया है, फिर उसका परसेंटेज कॉस्ट कितना है। हाँ नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट इज
इसको बोलते हैं वैक, क्या बोलते हैं इसको, वैक, क्या बोलते हैं इसको, वैक, WACC, नहीं तो फिर सत्यवचन, WACC, क्या बोलेंगे इसको, WACC। बेटा इसका फॉर्मूला दे दूं मैं, पहले फॉर्मेट बता दूं आपको कैसा रखना है फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, थोड़ा उल्टा सुलटा करके सिखा रहा हूं, डोंट माइंड, सिर्फ देख लो एक एक चीज कनेक्ट होते चलेगा अपने को। मतलब अल्टीमेटली इस चैप्टर का मेरा एम क्या है, मेरे को ये टेबल बनाने का है। इस चैप्टर में मैं पहले ना सारे सोर्सेस की कॉस्ट निकालूंगा, वो निकालने के पश्चात ये जो टेबल अभी मैं बनाऊंगा ये बनाऊंगा, ठीक है, और ये टेबल बनाने के बाद है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ना डिस्काउंटिंग के लिए ये वैक में यूज करूंगा। समझा प्रोसेस क्या है, मेरे इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट, इंडिविजुअल फिर मैं निकालूंगा वैक, और वो वैक निकालने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तय करूंगा। इसको यूज करके मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में डिस्काउंटिंग करूंगा, क्या करूंगा, वैल्यू निकालना है ना। अरे एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को 1 करोड़ रुपया लग रहा है, तो वो सोर्सेस इक्विटी और इससे लगा रहा हूं अलग अलग जगह से यूज करके, तो मेरे को निकालना है कि वो फिजिबल है कि नहीं है, NPV पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, उसके लिए मैं ये सब चीज़ें यूज करूंगा। तो वहाँ पे वैक डायरेक्टली दिया होगा, नहीं तो आपको ये चैप्टर प्लस वो चैप्टर दोनों एक जगह आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ अपना इस चैप्टर को सॉल्व करने का एम क्या है, इस चैप्टर में जितनी चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक प्यारा सा टेबल बनाएंगे, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, फिर यहां पे ले लो अमाउंट, यहां पे ले लो अमाउंट, फिर यहां पे ले लो वेट्स, वेट्स का क्या, ये जो कैपिटल है ना इसका वेटेज कितना है, मतलब पूरा कैपिटल अगर 1 करोड़ है, अपन एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे यहां पे लगे हाथ, चलो इसको प्यार से अपन बोलेंगे W, वेट को क्या बोलेंगे अपन W, फिर आपने निकाल रखी है कॉस्ट, क्या निकाल रखी है आपने कॉस्ट, इसको बोलेंगे अपन K, डन। फिर आप क्या करना W इंटू K कर लेना, क्या करेंगे आप W इंटू K, अब देखो इक्विटी पेड अप कैपिटल, इक्विटी पेड अप कैपिटल, फिर रिटेन अर्निंग्स, फिर प्रेफरेंस एंड फिर डिबेंचर, ठीक है। अब एज्यूम करना है यहां पे नो टैक्सेस, बताता हूँ वो भी बताता हूँ, एज्यूम करना नो टैक्सेस, क्या एज्यूम करेंगे आप नो टैक्सेस, उसके बाद में रिटेन अर्निंग आया है, री इन्वेस्ट होगा एट ROI। बेटा रिटेन अर्निंग मतलब क्या, डिविडेंड्स वाला चैप्टर पढ़ा ना आपने, उसमें क्या बोला हमने, रिटेन्ड अर्निंग पे भी इक्विटी होल्डर है ना एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, वॉल्टर्स मॉडल सीखा अपन ने, वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, रिटेन्ड अर्निंग पे भी पैसा मांगने का, कॉस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, इसलिए वो वैग में आया। और अभी जब रिटेन्ड अर्निंग आया है तो हमने बुक वैल्यूज कंसिडर करे, क्या कंसिडर करें,
बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दिख रहे हैं वो। क्लियर है क्या? अलग अलग सर। अब चलो अपने ना अंदाजे कुछ अमाउंट लेते हैं, मैं वेट्स निकालने का सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। अंदाजे कुछ अमाउंट्स लेते हैं, वेट्स निकालने का सीख लेते हैं। चलो अंदाजे अमाउंट लो, इसका ले लो 50 लाख, फिर ले लो 25 लाख, फिर ले लो 10 लाख, कितना हो गया 85, फिर ले लो लास्टली 15 लाख। अंदाजे ले रहा हूँ मैं, एज्यूम ऐसा है कुछ। कितना हो गया फिर? 1 करोड़ रुपया हो गया। ऑलराइट, अब बेटा वेटेज निकालना है, मतलब 1 करोड़, मतलब ये 1 अगर है, वेट निकालने के लिए नंबर यूज करेंगे, प्योरली नंबर यूज करेंगे हम। अगर ये वेट है तो ये कितना आएगा 0.5, फिर कहेंगे 0.25, फिर कहेंगे 0.10, फिर कहेगा 0.15। आया ध्यान में? आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। वापस से फिर एज्यूम कॉस्ट, एज्यूम दिया हुआ है मान लो 0.16, अभी सेम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में ये अलग अलग भी लेना पड़ सकता है, अभी क्या लेते हैं अपन सेम। मान लो प्रेफरेंस का है 0.12 और डेट का है 0.10, ठीक है। हाँ अब क्या करो, अब W इंटू के लेना है तो 0.5 × 0.16 कितना आएगा 0.08, फिर अगला जैसे को वैसा रखो 0.25 × 0.16 इक्वल टू कितना 0.04, फिर लास्ट सेकेंड लास्ट 0.1 × 0.12 इक्वल टू 0.012 एंड लास्टली 0.15 × 0.1 तो 0.015। डन। अब GT मार लो तो ये 0.147 आया, दैट इज 14.7%। आ रहा है आंसर आपका? अब बेटा देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे अगर वेटेज अलग अलग होते ना, इक्विटी कम होता, डेट ज़्यादा होता, तो ये अमाउंट और कम आया होता, ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट और कम आया होता, ये कॉस्ट और कम आया होता। चेक करना है कैसे? और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अपन अमाउंट शफल कर लेते हैं। अमाउंट क्या करो, इक्विटी कैपिटल 15 लाख कर लो और डिबेंचर्स 50 कर दो, सिर्फ इतना चेंज करो, देखो आंसर चेंज होता है क्या। 15 और डेट 50, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। करो, ट्राई करो, एक कुछ इलस्ट्रेट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर चलो करो, देखो, चलो एक आंसर आ गया। ऑलराइट, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, तुम पूरा लिख लो। पॉइंट 0.16 × 0.5, 0.08, देन फिर लास्टली 0.5 × 0.1, तो 0.05, फिर बच्चे वाला मैं ऐड कर देता हूँ। कौन सा? ये क्या? आई एम सॉरी। ओके, देखो ऐसी गलती हो गई,
प्लस 0.04 प्लस 0.012 प्लस 0.05 कितना आया, 0.126 आया क्या? तो दैट इज ये कितना है, देखो मतलब डेट का वेट ज़्यादा था, उसकी कॉस्ट कम थी, जो कॉस्टलियर था उसका पोर्शन ज़्यादा था, तो कॉस्ट क्या हो गया तुम्हारा, कम। क्लियर है? अब बात सुनो, मेरे को क्या क्या बताना है सुन लो यहाँ पे। अब यहाँ पे वेट का फ़र्क आता है, पहले टेबल में वेट से अपन ने एवरेज निकाल लिया, वेट से एवरेज निकाल लिया, जो कॉस्टलियर है अगर उसका पोर्शन ज़्यादा है तो एवरेज ज़्यादा आएगा। बट डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, हाईएस्ट कॉस्ट कितना था ऊपर की साइड, यहाँ पे हाईएस्ट कॉस्ट कितना है, 16% है क्या, 16% है, लेकिन 100% फंड्स यही थे क्या, नहीं दूसरे भी फंड्स थे, तो दूसरे सस्ते वाले फंड्स यूज़ किए, तो उससे क्या हुआ ना, आपका ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो अपीरियंटली आपको दिख रहा है कि 16% का शेयर है इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट अगर कंसिडर करोगे तो दैट बिकम्स 14.7, देखो इतना ही आ रहा है। ठीक है, ये हुआ एक पार्ट, समझ में आया। दूसरा पार्ट बेटा यहां पे लिख के रखो, चैप्टर 5 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करने की तरफ ध्यान देना है। क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करने की तरफ ध्यान देना है। जैसा मैंने अभी ट्रायल एंड एरर किया, यहाँ पे देख सकते हो आप, रेड कलर से जो फिगर्स है वो पुरानी फिगर्स है और ब्लू कलर की फिगर्स नवी है ये वाले टेबल में, और उसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ, यहाँ हो गया, कॉस्ट पे हो गया। ऊपर में 14.7 है, यहाँ पे 12.6 है। तो ये चैप्टर 5 का मोटिव क्या रहेगा, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए, वो हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। ठीक है, समझा थॉट, कि चैप्टर 4 में मैं करने वाला हूं ये सब चीज इंडिविजुअल सोर्सेस का। ये जो वेट्स है ना, ये तो यहीं पे कैलकुलेट होंगे, लेकिन ये जो है ना कॉस्ट, ये जो कॉस्ट का ये जो कॉलम है, कॉस्ट का कॉलम आया कहां से, अब वो हम एक एक करके सीखेंगे। ये जो कॉस्ट आई है ना 16% वगैरह, ये पूरा अब हम एक एक करके अब सीखने वाले हैं। समझा ना, ये मैंने बता दिया एंड रिजल्ट क्या चाहिए मेरे को, अब मैं इसमें से एक एक पोर्शन आपको बताते चलने वाला हूं। समझा? ठीक है, और एक लिख लो यहां पे मजेदार बात, और एक है पूछो क्या। AS 16 में बस बेटा यही लॉजिक लगाना है, AS 16 में यही लॉजिक से बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो अलग से दिमाग लगाने का जरूरत ना गिरेगा। ठीक है, AS 16 में यही थॉट करने का है, अलग कुछ नहीं करना, ऐसा ही है। ठीक है, ऑल राइट, समझा है पहला पार्ट, ये तो इंट्रोडक्शन। अगले सेशन में हम लोग करेंगे इसका एक एक सोर्स का कैलकुलेशन करना चालू करेंगे, एक एक सोर्स का हम कैलकुलेशन करना चालू करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, तरीका अच्छा लगा होगा पढ़ाने का, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसके पहले जो फ्री बैच हुआ था उसमें आप एनरोल कर सकते हो, कुछ वीडियोज हमने फ्री रखे हैं, तो आप देख सकते हो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कोई टॉपिक अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा हो, FM, SM एंड एडवांस अकाउंटिंग। थैंक यू।